और मध्य प्रदेश के कटनी की बात करेंगे, जहां पर जिले में लोक आस्था का महापर्व छठ की धूम भी देखी गई है, जहां पर रविवार शाम को छठ व्रतियों ने पानी में उतरकर अस्त सूर्य होते ही अर्घ दिया है। जिले के सिमरार नदी किनारे छपरबाहा घाट पर छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ दिया है। चारों ओर गाजे बाजे के साथ छठ गीतों की छटा भी दिखाई दी है। सूर्य उपासना का यह पर्व नहाए खाए के साथ शुरू होकर उगते और डूबते सूरज को अर्घ देकर पूरा किया जाता है। चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व सोमवार को उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद पूरा होगा। सूर्य की उपासना का यह पर्व पूरे दुनिया में मनाया जाता है और आज यहाँ पर हमारे पूर्वांचल के समाज की बहनों ने, माताओं ने छठ मैया की उपासना करके जो लगातार व्रत रखा है और आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया है, कल उगते सूर्य को अर्घ देंगे और ये उपास अपना व्रत तोड़ेंगे। तो ये प्रकृति की उपासना का एक पर्व है। भगवान सूर्य की कृपा सबके ऊपर बनी रहे और साथ ही साथ छठ मैया की कृपा भी हम सब पर बनी रहे। कटनी में इसकी अद्भुत छटा आपको देखने को मिल रही है, जैसे पूर्वांचल का पूरा समाज, पूरा बिहार यहाँ पर उतर आया हो। मैं